ओम श्री गणेशाय नमः, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द टॉरस साइन यानी कि वृषभ राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए क्या चेंजेस ला रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। एंड यस, आगे बढ़ने से पहले अगर आप डेली टैरो रीडिंग वॉच करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। पेज का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फॉर डेली टिप्स एंड रेमेडीज आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन। देख लेते हैं टॉरस कैसा रहेगा ये हफ्ता आप लोगों के लिए। टॉरस, आई थिंक कोई रिलेशनशिप है जिसमें आप एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। हो सकता है दैट मे बी यू आर मैरिड या सोच रहे हैं, या यस पुटिंग एफर्ट्स, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है टॉरस के लिए रिलेशनशिप सेक्टर में, ठीक है। या माइंड में कुछ है, आप अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक ये जो पर्सन है ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दे डोंट हैव बैड इंटेंशन फॉर यू, ठीक है, लेकिन कुछ स्ट्रगल है आप लोगों के बीच में किसी थर्ड पर्सन को लेके या इस चीज़ को लेके। कोई आपको रीच आउट करना चाह रहा है बट थर्ड पार्टी इश्यूज आ रही हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। या हो सकता है कि कोई आपके नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है बट प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स घेरे हुए हैं इस पर्सन को, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। नाउ इस पर्सन का नेक्स्ट मूव, आई थिंक कोई मूव नहीं है स्पेसिफिकली, मुझे ऐसा लगता है कि अपने अंदर ही अंदर इन्होंने कुछ दबा के रख लिया है, बहुत ज़्यादा इमोशंस या जो भी है, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट मूव अगर बात करें, नो मुझे नहीं दिख, अभी तो फिलहाल कोई मूव नहीं दिख रहा, ठीक है। और आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप का, आई थिंक इट्स अबाउट रिकन्सिलिएशन। मे बी कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं आपके राउंड या आपके स्पाउस, ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइक हस्बैंड वाइफ वाली एनर्जी या आप लोगों का बॉन्ड ऐसा है, ठीक है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, या कुछ के लिए हो सकता है कि शायद देयर इज़ लाइक चॉइसेस कोई और है बीच में स्टोरी के, वो चीज़ भी थोड़ी सी लाइक हाईलाइट हो रही है, दैट देयर इज़ अ थर्ड पर्सन बिटवीन बोथ ऑफ यू, ऐसा कुछ भी हो सकता है, या कोई सडनली कोई बीच में आ गया है। सो आउटकम मुझे रिकन्सिलिएशन दिख रहा है, आप लोग हो सकता है कनेक्ट करें या बात करें या ऐसा कुछ। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द टॉरस की, करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा। ओके, सो टॉरस वाइज अगर हम करियर वाइज अगर हम टॉरस के लिए बात करें, आई थिंक वी हैव वंडरफुल एनर्जी। यहाँ पे हमारे पास स्टार कार्ड दिखाई दे रहा है, सो आप देख सकते हैं कि ब्यूटीफुल एनर्जी, मनी इज़ फ्लोइंग इन, आपकी विशेज पूरी हो रही हैं, विशेज विल बी ग्रांटेड, और हैप्पीनेस, आई थिंक कोई है आप ये जो हफ्ता है स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई विश पूरी हो रही है, बहुत टाइम से आप इस चीज़ का वेट कर रहे थे एंड इट्स फाइनली हैपनिंग, तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो और आगे मैं क्या देखूँ, फाइनेंसेस, बेटर फाइनेंसेस, गुड एनर्जी। तो देख लेते हैं टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है, चाहे लव लाइफ है या करियर है। लेट अस चूज दिस टेक। ओके टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है। सो टॉरस, आई थिंक यू हैव अर्नड योर स्ट्राइप्स, आप देख सकते हैं लाइनस, ठीक है। तो जो भी है आपकी लाइफ में, आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, बहुत मैच्योर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और येस ऑफ कोर्स इट्स अबाउट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, आपके लिए यही राय है कि आप किसी से एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि जब आप एक्सपेक्ट करते हैं तो आप वापस से उस अंधेरे में चले जाते हैं। सो किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, यही आपके जो गाइड्स हैं, आपके एंजल्स आपको कहना चाहते हैं। और आई थिंक थिंकिंग वाइजली, प्रैक्टिकली, और जैसे आप हैं, आप अपने आप को विद योर फ्लॉज आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, और मैच्योर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, गुड एनर्जी। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर टॉरस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।